वेलकम टू द नेचुरल एंगल। माय नेम इज हितेश और मैं हूँ आज भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। इस वीडियो में आई शो यू फाइव प्लेसेस, सिर्फ 5 पॉइंट। वहाँ पे चले जाना, साथ में कोई गाइड है, साथ में कोई मेंटर है, कोई नहीं है, कुछ भी है, बस बर्ड्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब मत करना एंड डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई विल शो इट टू यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंट्री टिकट 111 रुपये, बोर्डिंग चार्ज 405 रुपये, रिक्शा का चार्जेस होता है यहाँ पे 150 रुपीज़ पर आवर। एंड पार्क में कुछ न्यू साइकिल्स भी आई हैं, अच्छी हैं, अभी तो काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल न्यू है, अराउंड 50 के करीब आई हैं। एंड द चार्जेस ऑफ दी साइकिल्स आर अराउंड 150 रुपीज़ पर डे। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम पॉइंट नंबर 4, वी डिसाइडेड टू वेट फॉर सम टाइम। वहाँ पे कुछ बर्ड्स थे, हमने सोचा कि चलो इनका वेट कर लेते हैं, मे बी विल गेट समथिंग, बिकॉज अभी कम्प्लीटली फॉगी है, लाइट नहीं है, उसके बाद ही आगे जाके फ़ायदा है। एंड आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम दिस इज व्हाट वी गॉट। पॉइंट नंबर 4 जाटौली चौकी वाला एरिया जो है, दिस प्लेस इज़ गुड फॉर हैबिटेट शॉट्स ऑफ स्पॉटेड डियर्स एंड ऑल। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको स्पॉटेड डियर वगैरह या जैकॉल वगैरह मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद ऐसा लगा कि पार्क पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। एंड द रीज़न वाज दिस वीडियो जो आप देखेंगे। वो क्या रहा, ये ड्रामा है साला। हितेश यार एक जगह फोकस, वो देखो ना वो आगे सामने सबके बाप। पॉइंट नंबर 3 डाटा पॉइंट और उसके आसपास का एरिया, ये डाटा पॉइंट से लेके वॉच टावर तक का एरिया, क्योंकि डाटा पॉइंट पे इफ़ यू कैन सेट फॉर लाइक 2-3 आवर्स देन डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड क्लिप्स लाइक दिस वन, जो जस्ट बाय चांस हम यहाँ पे पहुँचे ही थे एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विदाउट इवन पार्किंग द साइकिल मैंने देखा कि यहाँ पे एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही थी, मतलब इसने बस मछली पकड़ी ही थी उसी टाइम एंड आई गॉट द क्लिप। और ये है सेकेंड कैंटीन जो कि यहाँ पे लास्ट ईटिंग पॉइंट है, इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे भी आपको चाय बिस्किट वगैरह ही मिलेंगे। ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस, अगर आप टायर्ड हैं कुछ रेस्ट करना है देन इट्स अ गुड प्लेस टू बी। यहाँ से लेके एंड वॉच टावर तक का जो एरिया है, हाँ ये वाला, यहाँ पे आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग। बाद आफ्टरनून में यू कैन कम टू दिस साइड ब्लॉक ई विच इज़ डाबरी वाली मोरी, और यहाँ पे आपको बहुत चांसेस है कि काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पे जितने पेलिकन्स वहाँ थे वो सब अब यहाँ पे लैंड कर रहे हैं।
सामने हैं, कुछ ऐसा करके पीछे हैं, अभी पास में थे, वो ऐसे नहीं दिखेंगे, मैं आपको दिखा। कुछ चीजें आपको खाली फील करनी होती है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। एंड टू डू दैट यू शुड विजिट भरतपुर। मैं तो हमेशा इसको शुड ही बोलूंगा, एंड यू ऑल नो व्हाई। पॉइंट नंबर वन, द सोल ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी, द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे मैं पूरा दिन बता सकता हूँ और कई दिन बता सकता हूँ। सापनमोरी से कुछ मीटर राइट, मतलब 500 मीटर्स तक ऑलमोस्ट, कुछ मीटर लेफ्ट एंड 200-250 मीटर नॉर्थ एंड साउथ। ये जो चौराहा टाइप का बनता है, यहाँ पे आपको हमेशा एक्टिविटी मिलेगी, कहीं ना कहीं 100% एक्टिविटी मिलेगी। सापनमोरी से अच्छी पूरी सेंचुरी में पर्सनल लेवल पे जो बोल रहा हूँ कि कोई जगह मुझे नहीं लगती, तो मेरे लिए दिस इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस सेंचुरी। So from getting a touch of nature or getting a break from your busy city office life and all that, Bharatpur is a one stop place. And यहाँ आने से पहले बहुत चीज़ें दिल्ली NCR में भी हैं, अगर वो नहीं देखी हैं, जैसे कि ये सुल्तानपुर हो गया, या ये धनौरी हो गया, या फिर नीला हाउस जो अभी हमने डिस्कवर किया था, यू कैन विजिट डैट। उसके अलावा भरतपुर से इस ट्रिप के लिए बस इतना ही, बाकी आई विल बी बैक वेरी सून, टूर्स एंड विदाउट टूर्स बोथ। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे सेफ।